अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स व्यूअर्स आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी। बहुत ही आसान लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इनके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है और अच्छे से मैश कर लिया है। ये हमें चाहिए है एक पाव के करीब मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने जस्ट नमक डालकर बॉईल कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है या इसको श्रेड कर लिया है। ये हमें चाहिए है थोड़ा सा हमें चाहिए है ऑरिगानो, थोड़ी सी मैंने ली है सुरख शिमला मिर्च, इसको मैंने छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। एक बड़ा टुकड़ा ग्रीन शिमला मिर्च का, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक अदर टमाटर, इसको मैंने बीज निकाल कर क्यूब्स की शक्ल में छोटा छोटा काट लिया है। और हाफ मैंने प्याज लिया है, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये हमें चाहिए है तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, और मैंने 1 टीस्पून ही नमक लिया है। नमक आप हसब ज़रूरत ले सकते हैं। ये मैंने चेडर चीज़ ली है, आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। ये हमें चाहिए है एक अदद अंडा चाहिए है और थोड़े से ब्रेड क्रम्स चाहिए हैं। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों को फ्राई करेंगे। ये मैंने एक पैन लिया है और इसमें सिर्फ मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ये हम डालेंगे। और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे प्याज, 1 आध मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग ये सब्जियां डाल देंगे, सुरख शिमला मिर्च, सबज शिमला मिर्च, टमाटर, ये सारा कुछ ऐड कर देंगे। और इसके अंदर ये हम लोग 1 टीस्पून काली मिर्ची लिए थी, ये हाफ हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और हाफ ही टीस्पून नमक डाल देंगे। इसको 1 आध मिनट के लिए ही पकाएंगे। अब इसके अंदर ये श्रेड किया हुआ चिकन का कीमा ऐड कर देंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। दो तीन मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा ये ऑरिगानो जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे और इसको उतार लेंगे। ये रेडी है, अब इसको उतार लेंगे हम लोग। अब हम लोग इसको साइड पे कर देंगे और ये जो हमारे बॉयल आलू हैं इसके अंदर ये काली मिर्ची और ये नमक ऐड कर देंगे। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, नमक हम लोग थोड़ा सा और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले ये हम लोग अंडे को फेंट लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और कटलेट्स बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, सिर्फ बाइंडिंग के लिए। ये देखें, ये मैं ऐसे ये जो आलू को है इसको सिर्फ एज अ खुशका यूज़ करूँगी और इसकी ऐसे शेप बना लेंगे। और इसके अंदर ये जो पेस्ट है, बैटर है जो हम लोगों ने रेडी किया था चिकन का, मसाला वगैरह वो ऐड करेंगे और ये थोड़ी सी चीज़ ऊपर रख देंगे और ये थोड़ा सा
आलू का बैटर और ऐड करेंगे और इसको ऐसे दबाकर बंद कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से और इसको ये हल्का सा हम लोग मैदा लगाकर ऐसे सारे रेडी करके रखते जाएंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये हम लोगों ने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम लोग इनको करेंगे फ्राई। सबसे पहले अंडा लगाएंगे इस तरह से, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और ये सारे इसी तरह रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये हम लोगों ने रेडी कर लिए हैं। अब हम लोग इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पैन में घी गरम हो चुका है। अब हम लोग इनको डाल देंगे और दरमियानी आंच पर इनको फ्राई करेंगे इस तरह से, इस तरह से, और गोल्डन ब्राउन करके साइड चेंज करेंगे। हमें इसे दरमियानी आंच पर पकाना है, बहुत स्लो फ्लेम पर भी नहीं और बहुत हाई पर भी नहीं, दरमियानी आंच पर पकाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो कुक्ड हैं ऑलरेडी, तो इसको बस हम लोगों को दरमियानी आंच पर ही पकाना है। अब हम लोग इनकी ध्यान से साइड चेंज कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये जो एक चिकन पिज्जा कटलेट है ये रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसको हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे को भी मैं निकाल लूंगी, ये भी रेडी हो चुका है। जी तो व्यूअर्स, रेडी है हमारे चिकन पिज्ज़ा कटलेट्स, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़े के, और बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। कोई गेस्ट आ जाए तो आप मेहमानों को भी ये सर्व कर सकते हैं और ख़ुद भी चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको ये करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो कटलेट्स मैंने रेडी किया है ये मैंने क्रम्स के साथ रेडी किया है। ये देखें, इस पे मैंने क्रम्स यूज़ किए हैं, और ये जो कटलेट्स मैंने रेडी किया है ये विदाउट क्रम्स रेडी किया है, यानी सिर्फ इसको रेडी किया था अंडा लगाकर, हम लोगों ने इसको फ्राई किया है। आप दोनों तरीक़ों से इसको बना सकते हैं, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स स्किप भी कर सकते हैं, ये दोनों तरीक़ों से बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें बहुत चीज़ी, ये देखें बहुत चीज़ी और ज़बरदस्त बने हैं ये हमारे चिकन पिज़्ज़ा कटलेट्स। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।